वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं और ये चेक करें। माशाल्लाह यार, आप लोग देख सकते हो मैंने कबूतरों को खोल दिया हुआ है और हमारा मुर्गा वो सामने आपको नज़र आ रहा है, मुर्गे को भी मैंने खोल दिया। और इसकी जो सी मुर्गी है वो मैं बताता हूँ आपको किधर है। और एक और माशाल्लाह से गुड न्यूज़ आ गई इसी वीडियो के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको वो गुड न्यूज़ दिखाता हूँ दोस्तों। माशाल्लाह से हमारी मुर्गी ने पहला अंडा दे दिया, आप लोग देख सकते हो। और मैंने उसको फिर उसके केज के अंदर बंद किया, शायद आज फिर वो दूसरा अपना अंडा दे दे। इस अंडे को मैं फिर से है ना इस डब्बे के अंदर रख देता हूँ। मैं अंडे को अंडे मतलब है ना सारे अंडे मैं जमा कर रहा हूँ। तो फिर इंशाल्लाह इसको हम अंडों पर बिठाएँगे मुर्गी को इंशाल्लाह। ये आप लोग देख सकते हो मुर्गी अपने केज के अंदर बैठी हुई है। तो यार आप लोगों ने मेरे पिछले से पिछले व्लॉग के अंदर देखा हुआ, मैंने ना इधर मिट्टी ला के डाल दी थी, तो मिट्टी अब बिल्कुल है ना इनके लिए ठीक हो गई है। इसके अंदर मुर्गियां तो अब खेलती भी हैं। तो ये आप लोग मिट्टी की देख सकते हो बिल्कुल ठीक हो गई है। व्हाइट वाली फीमेल अकेली इधर घूम रही है, बाकी तीन कबूतर इधर है। इसको भी मैं उधर ही लेके जा रहा हूँ क्योंकि इधर है ना अचानक से बिल्ली आके ले जाएगी। मेरे आगे कई बार ऐसे है ना चूते गायब हुए हैं। One hour later. अभी नीचे से आया हूँ तो मैंने ये टी शर्ट आप लोग देख सकते हो मैंने चेंज कर ली। वो ना मुझे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ना गर्मी लग रही थी तो मैंने चेंज कर ली, तो आप लोग देख सकते हो। तो मुर्गा अपने केज के अंदर चल गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। बहुत शोर मचाता है मुर्गा, पता नहीं इसको क्या, बहुत ज़्यादा डरता भी और बहुत ज़्यादा शोर मचाता है। दोस्तों ये बेचारी अकेली नीचे घूम रही क्योंकि बेचारी की अभी तक पांडिया है, बाकी वो तीनों के ना फुल पड़ा गया है, ये फुल फ्लाई कर सकते हैं। ये बेचारी अकेली नीचे घूम रही है, कभी पानी पीने जाती कभी दाना खाने जाती। चारों माशाल्लाह से नीचे आ गए हैं। तो फाइनली यार मुर्गी हमारी ने माशाल्लाह से आज दूसरा अंडा दे दिया है। तो मैं पहला अंडा भी लाता हूँ, वो मैंने नीचे रख दिया, तो दिखाता हूँ आपको दोनों अंडे माशाल्लाह से। ये मुर्गी हमारी इधर ना दाना खा रही है, तो इसके अंडे मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह से दो अंडे हमारे पास हो चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह से। ये कल वाला अंडा क्योंकि ये ठंडा, ये अभी गर्म ही है, तो ये इसने आज दिया है, चेक करें माशाल्लाह से दो अंडे हो चुके हैं। तो इसको मैं कवर करके ना नीचे रख देता हूँ ऐसे ही। तो मैं इसको नीचे रख के आया के साथ हम इसको मुर्गे को भी खोल देते हैं मुर्गे के साथ ही। Thank you.
A few inches later. दोस्तों मैंने काफी देर से ना इन कबूतरों को और ना मुर्गियों को मैंने खोला हुआ था, तो इनको है ना बंद कर देते हैं, इनके केजिस के अंदर तो चले बंद करते हैं। सबसे पहले इन कबूतरों को बंद कर देते हैं। चलो वो मिल गया, चलो शुक्र। दाना पानी दोनों इनके केज के अंदर है, तो इनको बंद कर देते हैं। ये रहा इनका ताला। तो अब बारी है दोस्तों इस वाइट वाले कबूतर को। इसकी फीमेल तो मैं पहले ही बंद करके नीचे चला गया था, क्योंकि इन तीनों के ना पर फुल है, ये फुल फ्लाई कर सकते थे, तो फीमेल के नीचे हैं, तो मैं नीचे चला गया था इसको केज के अंदर बंद करके। ये मेल आप लोग देख सकते हैं, खुद ही आ गया अपने केज के अंदर। और दोस्तों ये ऊपर वाला आप लोग ये डब्बा या जो भी है देखें, ये बिल्कुल खाली, इसके अंदर नेस्टिंग मटेरियल नहीं है। तो मैं सबसे पहले ये नेस्टिंग मटेरियल के इस डब्बे के अंदर डाल देता हूँ, फिर इनका गेट बंद कर देते हैं। तो यार आप लोग देख सकते हैं मैं नेस्टिंग मटेरियल इनके गेट के अंदर डाल दिया। ये दोनों देखे अब एक ही डब्बे में है, अब ये लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करती है, अब इंशाल्लाह बहुत जल्द अंडे दे देंगे। तो इसको भी अब मैं इनका केज भी अब मैं बंद कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग मेरे पास अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है नेस्टिंग मटेरियल। इसको मैं ऐसे ही है ना संभाल लूँगा, ये फिर हमारे काम आएगा। और ये देखिए कैसे है, इसको लगता है खाना है इसका। तो दोस्तों मैंने कबूतरों को इनके केज के अंदर बंद कर दिया, तो अब मुर्गियों को मैं जाते वक्त नीचे बंद कर दूंगा, क्योंकि मुर्गियों को ना मैं रात को नीचे ले जाता हूँ, जिधर मुर्गी ने आकर अंडा दिया उस वाले केज के अंदर मैं इन दोनों को बंद कर देता हूँ। तो सर्दी हो जाती है ना, तो इसलिए रात को मैं इस छोटे वाले केज के अंदर बंद कर देता हूँ। तो ये था दोस्तों हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। तो फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।